जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो मैंने एक पोल क्रिएट किया था कि किस पे बनाऊँ, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज मिला है वो मिला है कि 20 साल बाद में अगर यही पेंशन स्कीम रही तो आपको कितना रुपए हर महीना पेंशन मिलेगा। दोस्तों, तो मतलब ये पूरा का पूरा वीडियो आपकी जो 20 साल की सर्विस, जो भी पैरामिलिट्री का जो जवान लगना चाहता है, जो ज्वाइन करने वाला है या जो सपना देख रहा है अगली SSC GD वैकेंसी का और जिसमें ज्वाइन करने वाला है दोस्तों, तो ये उनके लिए है कि अगर आप पैरामिलिट्री में लगते हो तो NPS पेंशन सुविधा के तहत आपकी 20 साल सेवानिवृत्ति के बाद में आपको कितना रुपये पेंशन के रूप में मिलेगा दोस्तों, और कितना रुपये आपको रिटायरमेंट के टाइम मिलेगा दोस्तों, तो ये पूरा वीडियो उसी पे है। साथ ही बता दूं दोस्तों कि पुलिस वेरिफिकेशन से संबंधित अगर किसी को कोई भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सैलरी से संबंधित मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सबसे अच्छी पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है उसके भी मैंने वीडियो बना रखा है दोस्तों, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप फर्स्ट चॉइस बनने में कोई भी गलती ना करो। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के इस वीडियो की कि आपको कितना रुपये जमा होगा, कितना रुपये पेंशन के रूप में प्रति माह मिलेगा और कितना रुपये आपको रिटायरमेंट के टाइम मिलेगा। आज की जो पैरामिलिट्री फोर्स की जो पॉलिसी चल रही है गवर्नमेंट के तहत NPS में जो आपका पैसा जमा होता है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि NPS का मतलब है नेशनल पेंशन सिस्टम, राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम है दोस्तों। तो इसमें आपका जो पैसा जमा होता है वो किस आधार से जमा होता है, इसका मैंने वीडियो एक पहले भी बनाया है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको और अच्छे से जानकारी दे रहा हूँ कि NPS में जो आपको पैसा जमा होता है वही पैसा आपको रिटायरमेंट के टाइम मिलता है, उसी पैसे से आपको पेंशन मिलती है दोस्तों। वो कितना रुपये पेंशन मिलेगी उसके बारे में हम बात करते हैं अब। तो दोस्तों, शुरुआत से शुरू करते हैं कि आप जैसे ज्वाइन कर लेते हो पैरामिलिट्री फोर्स में, आपकी ज्वाइनिंग के टाइम में आपकी जो बेसिक पे होती है 21,700 अकॉर्डिंग टू अभी, यानी नाउ आज के अनुसार आपकी 21,700 बेसिक पे, उस पर आप DA लगा लीजिए और कुल मिला के आपके 25,000 के समथिंग पेमेंट बनती है दोस्तों। कई लोग ये भी बोलते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान हमको पेमेंट पूरी मिलेगी कि, तो ये भी आपको जवाब दे देता हूँ कि ट्रेनिंग के दौरान ही आपको पेमेंट हर महीना मिलेगी और पूरी की पूरी मिलेगी, क्योंकि पैरामिलिट्री में आर्मी की तरह नहीं होता दोस्तों। अब बता दूं दोस्तों आपको कि हर महीने आपके 10% आपके पैसे कटेंगे आपके पेमेंट में से, और 14% मिलाती है गवर्नमेंट। ये दोनों होके फिर होते हैं आपके हर महीना जमा। जैसे 25,000 का आप 10% लेके चलिए तो 2,500 रुपये आपके कट गए, फिर उसमें 14% गवर्नमेंट मिला देगी, यानी 3,200 रुपये के समथिंग, और आपके महीने के जमा होने लग जाएंगे दोस्तों 5,700 रुपये, यानी हर महीना जमा होंगे। तो ऐसा करके अगर हम माने हैं, आपको जो आंकड़ा बता रहा हूँ मैं, कि फर्स्ट साल में आपको जो पैसा जमा होगा होगा 67,000 के आसपास दोस्तों, क्योंकि ये आपका जैसे DA बढ़ेगा ये पैसा ज़्यादा जमा होने लग जाएगा, जैसे आपका इंक्रीमेंट लगेगा ये पैसा ज़्यादा जमा होने लग जाएगा, जैसे आपका फिर एक साल में 2 बार DA, 1 बार इंक्रीमेंट मिलता है, फिर DA बढ़ेगा, फिर ये पैसा ज़्यादा जमा होने लग जाएगा दोस्तों। तो अगर पहले साल में आपका जो पैसा जमा होता है 69,000 के आसपास या 68,000 आसपास, ये सालों साल बढ़ता जाता है दोस्तों। पहले साल में इतना, अगले साल में 75,000 जमा होगा, उसे अगले साल में 85,000 जमा होगा। तो ऐसे करते करते आपकी 20 साल की सर्विस में, आप मानिए अगर 10 साल की आपकी सर्विस हो गई तो 10वें साल में आपको एक पे कमीशन और मिल जाएगा। जैसे अगर कोई अभी ज्वाइन करा उसको 2026 में पे कमीशन मिल जाएगा, तो उसमें 2-3,000 पेमेंट डायरेक्ट प्लस हो जाएगी, तो जमा भी ज़्यादा होगा दोस्तों। तो ऐसे करते करते मान लो 10वीं साल अगर आपकी चल रही है, तो आप मान के चलिए आपका साल का उसमें 1,20,000 के समथिंग जमा हो रहा है। जैसे 15 साल होगी तो 1,40,000-50,000 के आसपास सालाना जमा होगा। 20 साल के आते आते आपके साल के 1.5 से 2 लाख रुपए जमा होने लग जाएंगे दोस्तों। तो अगर 20, वैसे तो ये जो पैरामिलिट्री की जो जॉब होती है वो आप 60 साल की उम्र तक कर सकते हो, तो फिर भी आप अगर 20 साल इसको करना चाहो, यानी 20 साल बाद में आप कम से कम 20 साल आपको ये जॉब करनी होती है, ये ज़रूरी है, उसके बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हो। तो अगर आप 20 साल बाद में रिटायरमेंट ले रहे हो तो 20 साल में आप ये मान के चलिए दोस्तों कि आपके कम से कम 25,00,000 रुपये NPS में जमा हो जाते हैं कट कट के। तो 25,00,000 अगर आपके जमा हो जाते हैं, 25 से 30 लाख के बीच का ये आंकड़ा रहता है जो आपका जमा होता है, क्योंकि आपकी आगे कितना बढ़ेगा ये तो हम फ्यूचर की बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर आज के अनुसार देखें तो 25 से 30 लाख रुपये के बीच में आपका पैसा जमा होगा। तो आप मान के चलिए दोस्तों इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट इन्वेस्ट के अनुसार मिलता है, तो वो आप कम से कम अगर इन्वेस्ट लगा के मानोगे तो 25,00,000 रुपये के आसपास इतना इन्वेस्ट भी बन जाएगा। तो ये मान के चलिए कि अगर 25,00,000 जमा हो रहे और 25,00,000 ही उसका तब तक इंटरेस्ट बन जाएगा, तो आप ये मान के चलिए कि बैंक 6 साल में 8% ब्याज से अगर पैसा दुगुना हो जाता है,
तो कम से कम LIC भी देती है इतना कि 10 साल का आपका पैसा जमा करती है, 16 साल में आपको डबल देती है। तो आप अगर 20 साल तक जमा करते हो तो आपका ये पैसा 3 गुने के समथिंग चला जाएगा दोस्तों, इंटरेस्ट मिला के। और फिर जो जमा राशि होती है, जैसे जैसे आपके ज़्यादा बढ़ता है वैसे वैसे आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। और जमा होते होते आप ये मान के चलिए 20 साल की सर्विस के दौरान आपका 80 लाख से ऊपर या 85 लाख या 1 करोड़ के आसपास का धन आपका जमा हो जाता है NPS में। जमा नहीं मतलब ब्याज मिला के बन जाता है दोस्तों। 80 से 85 लाख रुपये तक आपका पैसा 20 से 25 साल की सर्विस है, 20 साल में आप मानिए कि चलिए कि 75 से 80 लाख रुपए के बीच में आपको बन जाता है। अगर 5-4 साल और माने सर्विस 2-3 साल, क्योंकि उस समय आपका ज़्यादा पैसा जमा होगा तो आपका 1 करोड़ के आसपास रुपए बन जाता है NPS में। अब अगर आप उस पैसे का जो अभी का जो NPS का नियम है कि आप 60% पैसे उसमें से विड्रॉल कर सकते हो, 40% से आप जीवन पर्यंत पेंशन ले सकते हो। तो अगर मानिए आपका 1 करोड़ रुपये बन जाता है दोस्तों, उधर इसकी डिटेल भी आपके पास में रहती है दोस्तों कि आपका कितना पैसा जमा, और आपका हर महीने मैसेज आता रहेगा। जैसे आप फोर्स ज्वाइन करोगे आपके हर महीने पैसे ज्वाइन का मैसेज आता रहेगा दोस्तों। तो आपका इतना पैसा जब उसमें इंटरेस्ट लगा के बन जाता है तो उसमें से आप 60% माह के अगर विड्रॉल होता है तो 60 लाख के आसपास, अगर आप 25 साल मान के चलिए, 20 साल की सर्विस है लेकिन मैं आपको 25 साल मान के चलिए कि 25 साल में इतना पैसा 100% आपका बन जाता है दोस्तों। तो अगर उसमें से आप 60 लाख मान लो विड्रॉल कर लेते हो, 40 लाख रुपये आपका उसमें जमा रहता है। तो जमा राशि का अगर ब्याज भी देखा जाए, अगर कम से कम गवर्नमेंट अगर उसका ब्याज दे जो हमारा सेविंग अकाउंट का PPF अकाउंट में, तो 8% के आसपास ब्याज मिलता है। अगर उतना ही ब्याज दे तो भी आपकी पेंशन कितनी होगी, आप मान लिए कि 1 लाख रुपए का अगर 8% के हिसाब से भी दे तो 700 रुपये प्रति महीना हो गया। तो 40 लाख का 7 × 28, तो मतलब 28,000 तो आपका मतलब नॉर्मल ब्याज, अगर ब्याज दे, इन्वेस्ट की बात तो अलग होती है, अगर उसका एक नॉर्मल PPF अकाउंट का ब्याज दे तो भी इतना आपको हर महीने 28,000 रुपये। अब इसमें आप जोड़िए कि उसके बाद में आपके कम से कम आपकी सर्विस के अंदर 3 से 4 पे कमीशन भी लग जाएगी दोस्तों। तो पे कमीशन भी लग जाएगी तो उस समय आपका पैसा बढ़ भी जाएगा, ज़्यादा जमा भी होगा, इन्वेस्ट भी ज़्यादा होगा। तो उससे आप ये मान लें अगर 3,000 रुपये भी टोटल सर्विस अगर आप मान के चलो प्लस के, तो अगर 3 पे कमीशन लगते हैं तो 4×3 = 12,000 + 12,000 आप ये मान के चलिए 40,000 रुपये से कम आपकी पेंशन नहीं होगी NPS में, इससे ज़्यादा ही होगी आपकी 20 साल की सर्विस के बाद, या आप मान के चलिए 100%। ये कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़ा नहीं है, कम से कम आंकड़ा ये है कि आपको मिनिमम, इससे कम तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको पेंशन मिलेगी। कम से कम 40 से 50,000 रुपये के बीच में आपकी कम से कम पेंशन रहेगी, इससे, ये तो मिनिमम आंकड़ा बता रहा हूँ, मैक्सिमम आंकड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि 20 साल की सर्विस के बाद में आपकी पेमेंट, अगर आप ज्वाइन करते हो अभी तो 20 साल की सर्विस के बाद में आपकी पेमेंट ही 1-1.5 लाख रुपए के आसपास हो, 1 लाख से ऊपर, मतलब 1,20,000 से ऊपर ही आपकी पेमेंट रहेगी ये मान के चलिए। तो जब 1,20,000 से आसपास चाहिए, पुरानी पेंशन स्कीम के अनुसार आधा पेमेंट पेंशन के रूप में मिलता है, यानी अगर 1,30,000 आपकी पेमेंट होती है तो उसका आधा का मतलब हो गया 65,000 रुपये। तो अगर NPS में भी अगर कम से कम माने, अगर वो उस पेंशन से इसमें अगर थोड़ा सा अगर कम हम माने के चले कम से कम, तो भी आप मानिए प्रति महीना आपको 50,000 रुपये पेंशन के रूप में भुगतान होगा ही होगा दोस्तों। और रिटायरमेंट के समय अगर मैंने बता दिया आपका कम से कम 1 करोड़ रुपये तक उधर जमा हो जाता है, और 1 करोड़ रुपये का आप अगर 60% निकला तो 60 लाख रुपये होता है दोस्तों। तो इसमें कोई ये आंकड़ा पूरा 100% नहीं है, लेकिन हाँ अभी के अनुसार है ये 100% मानिए इसको, हाँ लेकिन आगे क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके अनुसार ये बदलता रहेगा आंकड़ा, लेकिन अभी के अनुसार ये आंकड़ा बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों। तो आप मान के चलिए इतना रुपये आपको पेंशन में प्रति महीना मिलता रहेगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।